हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टेक्निकल एवन सपोर्ट पे। आइए आज हम आपको प्रोसेसर फैन ख़राब हो चुका है उसको रिपेयर करके दिखाते हैं। ये कंप्यूटर का प्रोसेसर फ़ैन है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है, ये ख़राब हो चुका है। ये नया भी मिलता है बाज़ार में, मगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर भी हो जाएगा। इसको खोलने का तरीका और रिपेयर कैसे करेंगे वो सारा इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को अंत तक। देखिए स्टिकर को हम हटा दिए हैं और हटाने के बाद यहाँ पे लॉक होता है, उस लॉक को हम खोलेंगे। देखिए बगैर लॉक खोले इसका फैन नहीं निकलेगा। ये लॉक है, इस लॉक को दो रिंच से तानेंगे और तानने के बाद ये हमारा निकल जाएगा। देखिए इसको हम तान रहे हैं दो रिंच से इसको तानेंगे और तानने के बाद हमारा ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप लोगों को देखिए ये लॉक है, ये फैन का लॉक है, ये हमारा खुल गया है। और खोलने के बाद इसका फैन हम निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा वो हम निकाल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें एक बैरिंग भी होता है, देखिए ये बैरिंग है, एक उधर बैरिंग लगा हुआ है। ये बूश पे नहीं है, बैरिंग पे है, अच्छे कंपनी का इसलिए बैरिंग लगा हुआ है, नहीं तो बूश भी लगा हुआ रहता है। देखिए इसका फैन निकल गया है और ये इसके अंदर कॉइल है, उस कॉइल को भी हम देखेंगे। ये फैन है, फैन में कुछ नहीं है, एक मैग्नेट लगा हुआ है। और मैग्नेट के बाद आपको हम दिखा रहे हैं जो कॉइल कहाँ पे होता है इसका, वो कॉइल को देखिए और कॉइल को रिपेयर आप मीटर से चेक कर लेंगे। अगर मीटर में सही दिखाएगा तो आप कॉइल को रिपेयर नहीं करेंगे, अगर मीटर में सही नहीं दिखाया तो आप कॉइल को सही कर लेंगे। देखिए हम मीटर से चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद इसका कॉइल सही हमको बता रहा है। देखिए इसका कॉइल सही दिखा रहा है और इसका कॉइल जो है सो इसी में लगा हुआ है। देखिए इसका कॉइल यही है, कॉइल हम देख लिए हैं, कॉइल सही है। इसके पिन में खराबी है जो पिन को हम रिपेयर कर देंगे, जो पिन बोर्ड में टच नहीं होता है। देखिए वो पिन को हम ही करके अब इसको हम टाइट कर देते हैं। इसको कैसे फैन लगाएंगे, जिस तरह आप निकाले हैं वो सब उसी तरह लगाएंगे। देखिए फैन को लगाने के बाद आप बैरिंग को लगाएंगे। देखिए ये फैन लग चुका है और इसमें जो बैरिंग निकला है वो बैरिंग को आप लगा दीजिएगा। देखिए ये बैरिंग हम लगा दिया, देखिए ये बैरिंग है। लग चुका है और ये बैरिंग को लगाने के बाद हम इसके लॉक को लगाएंगे। लगा देंगे और लॉक को अच्छे से लगाने के बाद आप चेक करेंगे कि हमारा फैन चलने लगेगा। इसी तरह आप लोग रिपेयर कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को अंत तक, तब पता चल जाएगा ये फैन चलता है या नहीं। देखिए इसको चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर का ज़रूरी नहीं है, इसको आप 12 वोल्ट के चार्जर में दो पॉइंट को लगा देंगे और चेक कर लेंगे ये फ़ैन चलता है कि नहीं। देखिए आप लोगों को हम दिखा चुके हैं ये फ़ैन चल रहा है, ये 12 वोल्ट का
चार्जर है और इसको हम लगाए हैं, ये फैन मेरा चलने लगा है। आप लोग भी इसी तरह रिपेयर करके चेक कर सकते हैं।